अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जितने भी टॉपिक्स थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, शील्डिंग इफेक्ट था, आयोनाइजेशन एनर्जी था, ये तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। तो आज हमारे पास है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के पास ये एबिलिटी होती है। अब किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, लेकिन एक एबिलिटी, एक सलाहियत किसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। और ये याद रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स में नज़र आएगी। जो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनता है उनसे, उसके अंदर आपको ज़्यादातर ये नज़र आएगी। तो पहले हम कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल देखते हैं। आप सपोज़ करें ये आपके पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और इन दोनों के पास आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास वैलेंस शेल में था। अब इन्होंने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए, आपको पता है कि इनको बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों, तो ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इनकी शेयरिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बना, जिसको हमने कोवलेंट बॉन्ड हम जिसको कहते हैं, तो ये इसको मैं नीचे बना लेता हूँ कि जी ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का हो गया, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इन दोनों एटम्स में से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, उस सलाहियत को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर आप कोवलेंट बॉन्डिंग में देखेंगे तो ये जो एटम्स हैं ये दोनों सेम हैं, दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी सेम होंगी, तो कोई सा भी एक भी एटम इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, उसके अंदर आपको पता है कि अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है, मैं एक जनरल एग्जांपल लेने लगा हूँ, ये समझ लें कि मैंने रेड कलर से बना लिया एक एटम और ये मैंने बना लिया जी ब्लैक कलर से। ठीक है, अब ये डिफरेंट एटम्स हम शो कर रहे हैं। आप सपोज करें जी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और सेम इसी तरह से इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अब देखें जब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी आपस में, तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मैं नीचे बनाने लगा हूँ ताकि आसानी से समझ आ सके। ये मैंने रेड कलर वाला ब्लैक कलर वाला बना लिया और ये रेड कलर वाला, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये किसी ना किसी इन दोनों में से एटम्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस अगर ये इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होगी अगर इसकी ज़्यादा है, ब्लैक वाले की ज़्यादा है अगर, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा ब्लैक वाले आइटम की तरफ, यानी कि जो नेगेटिव होगा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखें जी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये मैंने सेंटर में बनाया था, ये सेंटर में बना हुआ है। अब ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया इस एटम की तरफ, यानी कि इस एटम ने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने शेल्स में गेन कर लेगा, अपने शेल में ऐड कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बस थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, आप ऐसा समझ लें कि इसके अंदर ज़्यादा पावर है। अगर शेयरिंग हो रही है किसी चीज़ की, आप कोई अगर अपने फ्रेंड के साथ खा रहे हो ना, एक बिरयानी की प्लेट खा रहे हो, तो आपका अगर फ्रेंड है बहुत ज़्यादा खाओ है, बहुत ज़्यादा खाता है ना, तो वो ज़्यादा ज़्यादा खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा। खा आप दोनों ही रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा खा लेगा। इसी तरह से ये जो एटम है, दोनों शेयर तो कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग की वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है, लेकिन ये जो एटम होगा ये इसको थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं, इस सलाहियत का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ज़्यादा थी और इसकी कम थी, ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ये आपको पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बहुत आसानी से मिलता है, बहुत मोस्टली इसी में हमें नज़र आता है देखने को। ठीक है जी, अच्छा अब देखें ये पार्शियल पॉजिटिव मैंने सिंबल गया और ये पार्शियल नेगेटिव, इसका भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ कि ये पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्यों आता है। ये आप समझ लें जी कि हम बात करते हैं एक एटम की, कि जब भी कोई एटम होता है आपके पास, अगर ये वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आता है जी? पॉजिटिव आ जाता है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल फैक्टर से गेन करता है अपने वैलेंस शेल में, तो नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे ही है,
पॉजिटिव उस टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा और नेगेटिव उस टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो अगर आप इस केस में देखते हैं इस एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसने ये स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लूज़ किया, कम्प्लीटली उसको रिलीज़ नहीं किया, ठीक है। अब साइंटिफिकली हम थोड़े से को क्या कह सकते हैं, हम सिंबल लगाते हैं ये वाला, ये सिंबल होता है जी पार्शियल का, इसको पार्शियल बोला जाता है और इसका मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा, आप ऐसा कह लेंगे थोड़ा सा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है या थोड़ा सा लूज़ कर रहा है ये वाला एटम, तो इस पार्शियल का मतलब होगा हाफ। अब पार्शियल पॉजिटिव हमने क्यों लगाया, पॉजिटिव उस टाइम पर आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा लूज़ किया, कम्प्लीटली लूज़ नहीं किया, आप ऐसा कह लें कि हाफ उसको लूज़ किया उसने, यहाँ पर था पहले और अब यहाँ पर आ गया, तो ये जो इतना डिस्टेंस होगा आप कह लोगे कि ये हाफ हो जाएगा, इसलिए हमने ये साथ सिंबल शो किया। मैं इसको अगर हाफ कह लूँ, हाफ पॉजिटिव का मतलब है कि इसने हाफ उसको लूज़ किया, थोड़ा सा लूज़ किया, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इसने यही इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन का पेयर था, उसको पार्शियली गेन किया, ठीक है, कम्प्लीटली गेन नहीं किया, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी। अब इसके हम अगर ट्रेंड्स देखें तो हमने जो शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, एटॉमिक साइज वगैरह, उसमें हमने सारे ट्रेंड्स देखे थे कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है या डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, क्या होता है जी। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स देखें तो ये आपको सेम एज मिलते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने पढ़ा या हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा, तो मैं अब उसको दोबारा से डिटेल में उसकी रीजंस को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप इतना समझ लें कि हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो होता है एटॉमिक साइज क्योंकि डिक्रीज़ होता है, कम होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं वो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वो बढ़ती हैं, ठीक है, उनके अंदर इंक्रीमेंट होता है, और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कम होती हैं। क्यों कम होती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे ही एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होगा ना तो लास्ट शेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो हो जाती है कम, और लेफ्ट टू राइट क्योंकि साइज़ कम हो जाता है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा होगी, हमने यहाँ पर कहा बात की है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उसने, अब सोचें कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर मिलता है एक हाइड्रोजन, और आप किसी पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो आप समझ लें यहाँ पर आपको क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, बढ़ती हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं और हाइड्रोजन की कम है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर साइज़ जो होता है एटम का लेफ़्ट साइड पर ये ज़्यादा होता है और राइट साइड पर जाते हुए कम हो जाता है। अब जितना साइज़ छोटा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की उतनी ही ज़्यादा होगी वैलेंस शेल पर, यानी कि वो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो राइट साइड पर एटम्स होंगे वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, तो हमने कहा था जी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी। ले जी, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ वाला टॉपिक था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और उसको हमने समझा भी, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसके ट्रेंड्स भी देखे हैं, इससे पिछले जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनके हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया और उनके ट्रेंड्स भी देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कम्प्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन पॉइंट्स के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री का, तब तक के लिए जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।